जी हाँ किसान भाइयों, मोदी सरकार करने जा रही है 3 लाख किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। साथ ही कर्ज माफी योजना की नई लिस्ट जारी हो चुकी है। इस नई लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक करेंगे और किन किन राज्यों में कितने कितने रुपए तक की कर्ज माफी की जा रही है? सबसे पहले आप किस क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं, किस क्षेत्र की कर्ज माफी की जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन घंटे के निशान को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करने के साथ ही जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, देख सकते हैं केसीसी किसान कर्ज माफ़ी योजना, सभी किसानों की लिस्ट, इस लिस्ट में सभी किसानों के नाम हैं। ये लिस्ट आप कैसे चेक करेंगे इसको लेके भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, केसीसी वाले किसानों का पूरा कर्ज माफ़ किया जाएगा। मोदी सरकार ने स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिया है, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार किसानों को कर्ज माफ़ी के रूप में बड़ी राहत देने वाली है। किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। जितने भी किसानों ने फसल ऋण और किसान कर्ज माफ़ी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण लिया हुआ है उसको लेकर सरकार ने जो है किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक कल्याणकारी योजना किसान कर्ज माफ़ी योजना का शुरुआत कर दी गई है। इस योजना के तहत जिन किसानों की फसलें खराब हुई थी मौसम के कारण, उन किसानों की कर्ज माफ़ी की जा रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से किसान कर्ज माफ़ी की जा रही है। काफ़ी जगह 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ़ किया जा रहा है, तो काफ़ी जगह 1 लाख रुपये तक का, तो काफ़ी जगह 2 लाख रुपये तक का, और काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 3 लाख रुपये तक की भी कर्ज माफ़ी की जा रही है। आप किस क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूँ कि किस क्षेत्र में कितने रुपये तक का कर्ज माफ़ किया जा रहा है, इसको लेकर रिप्लाई भी मैं आपको कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही जैसे ही किसान कर्ज माफी होगी तो क्या क्या दस्तावेज चाहिए, किस तरीके से उस राज्य में क्या क्या कंडीशंस यहां पे रखी गई है पात्र किसानों के लिए, तमाम जानकारी आपको इस YouTube चैनल पहले देखो पहले सीखो पर जानकारी देखने को मिलेगी। इसके लिए साथियों किसान कर्ज माफी के लिए कुछ कंपलसरी दस्तावेज मैं बता देता हूँ। आधार कार्ड, प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और बैंक खाता संख्या, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्सों के आधार पे कर्ज माफ़ी होगी। कर्ज माफी से जुड़ी पल-पल के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और पास में बेल घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। मिलेंगे साथियों जल्दी ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।